नहीं मेरे पास लेने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ पे था बिजनेस आपका? इधर ही ऊपर मसूरी में। कितना कर सकते हैं पे इसमें मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो? कितना है गूगल पे एटीएम वगैरह? तो पहले कहाँ पे जॉब करते थे आप? अपना काम था मेरा मसाले का, मसाले वगैरह का। और अभी फिर कोविड की वजह से क्या मसाले तो बिक ही रहे हैं? लेने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। लेने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ पे था बिजनेस आपका? इधर ही ऊपर मसूरी में। ठीक है। अच्छा तो फिर अभी क्या मसाले वगैरह लाने का नहीं है? वैसे बिजनेस था आपका तो दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं आप? पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो दोबारा ला के देखूंगा। अच्छा अगर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो कर लोगे? तो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इसमें? कम 40,000 के आसपास। अच्छा 40,000 के आसपास आपको जमा करना है। ठीक है। 20,000। अच्छा 30,000 20,000। अच्छा तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है इसकी कि कितना भी पे कर सकते हैं? जो आपकी इच्छा हो। सो लोग करते हैं हेल्प इसमें? ठीक है। तो वैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब में मेरा चैनल है, तो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें भी हेल्प मांग लूँगा आपके लिए। ठीक है जितना भी होगा। ये गूगल पे नंबर है इनका 9873061401। और क्या नाम है आपका? वीके झा। वीके झा नाम है इनका। और मसाले का ये कहते हैं बिजनेस। आप उत्तराखंड से ही हो? ठीक है। तो मसूरी रोड पे हम लोग मसूरी जा रहे थे, तो मसूरी रोड पे अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनका मसाले का बिज़नेस था पहले जो कि कोविड की वजह से इम्पेक्ट हुआ है। तो इनको आप अगर मदद करना चाहें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा मदद करो, गूगल पे फ़ोन पे आप में से हर कोई चलाता है, तो 10 रुपये से चलेगा ना? ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इनका कोई ऐसा नहीं कि लिमिट है मेरी ये है, और 10 रुपये से आप पे कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। और आई होप कि वो चीज़ें सही जगह ही काम आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें हमें भी नहीं पता, बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना इन्होंने मेहनत कर रहे हैं तो गाइज आपको करना चाहिए, थोड़ा बहुत हम भी पे कर देते हैं अपनी तरफ से। दिनों कर दे कुछ जितना भी हो सकेगा हमसे। वैसे हैं नहीं चल रहा, एक सेकेंड ना। तो दिन भर में कितना जमा हो जा रहा है इससे? 500-700 हो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में हो जाएगा? 15-20 दिन में। 15-20 दिन। ठीक है। तो फैमिली आपकी? जो बच्चे हैं दो बेटियां हैं। अच्छा दो बेटियां हैं, क्या है? शादी वादी हो गई? अभी नहीं। और घर पे है नहीं कोई कमाने वाला? अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो यार कोविड की वजह से हर कोई इम्पैक्ट हुआ है, एंड डेफिनेटली जो भी इम्पैक्ट हुआ है तो हर कोई अपने अपने तरीके से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, नौकरी भी नहीं मिल रही। हाँ नौकरी का भी ऐसा ही है अभी। और एज भी आपकी आई गेस कितनी हो गई है? 60+ है। 60+ एज हो गई है। कितना साल पुराना बिजनेस था? 7-8 साल तो इसको हो गए थे। अच्छा 7-8 साल हो गए थे। ठीक है। हाँ अभी तो मसूरी में काफ़ी भीड़ है, तो देखो लोग आते हैं तो ज़रूर मदद कर देंगे अगर सच्चे दिल से आप चीज़ों को चाहते हो कि आगे करना है मुझे, क्योंकि देखो सब हर कोई इम्पैक्ट हुआ है। और हर 2-3 दिन ही हुए हैं। अच्छा 2-3 दिन हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अभी लगा हुआ है कोविड से रिकवर करने में, है नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ हो रहा है ना? ठीक है। चलो हमारी तरफ से थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता था दिखा दे। ठीक है। हाँ जितना भी हो सकता था हमने पे कर दिया है, और ये मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा। ठीक है। चलिए ठीक है। बाकी